पार्टी हो, देश के सिद्धांतों की जीत होनी ठीक चाहिए। आप कह रहे हैं छोटा दिल नहीं रखना, आप बड़ा दिल रख लेते हैं, बड़ा दिल रख लेते हैं, और इस बड़े दिल से बहुत से वादे किए गए हैं, मैनिफेस्टो सामने रखे गए हैं। झारखंड की जनता किस पर करेगी भरोसा? मैं बार बार जेएमएम के नेता या प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़ते तो उनसे सवाल कर सकती, ये डिबेट थोड़ी सी अधूरी जरूर लग रही है। आप के मिश्रा जी, आप रिवर्ट करना चाह रहे थे, जरूर कीजिएगा, साथ ही मुझे बताइएगा कि झारखंड आदिवासियों को आज तक भी उनका हक मिल पाया क्या, और अगर नहीं मिला तो कौन है जिम्मेदार? देखिए, आज तक झारखंड के साथ जिस तरह से सौतेला व्यवहार हुआ है वो देश की हर पार्टियों ने किया है। जिस कहते नहीं है कि खजाना लूटा जाता है, जो अंग्रेज आते थे और भारत को लूट के अपने देश में ले जाते थे, तो हर राज्यों के जो जिस तरह से केंद्र सरकार जिस तरह से वहां पे जो खनिज पदार्थ होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा यदि देखा जाए तो कोयला हो, चाहे लोहा हो, चाहे वो बॉक्साइट हो, वो झारखंड में होने के बावजूद भी आज जो झारखंड की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो जिम्मेदार है वो बीजेपी और कांग्रेस है, और साथ में जेएमएम भी है, जो उनके इतना सारा पैसा होने के बावजूद भी, खनिज पदार्थ होने के बावजूद भी वहां का विकास आज नहीं हुआ। जो मकसद बिहार का बंटवारा करने के लिए जिस तरह और झारखंड का विकास की ओर अग्रसर करने के लिए जो नए राज्य की स्थापना हुई थी, वो राज्य आज भी अपने सपनों से दूर है। और मेरा यहाँ पे एके मिश्रा जी को मैं थोड़ा बधाई दे दूं कि बीजेपी के यदि आपके कोई लोग सुन रहे होंगे तो आपका ध्यान बहुत जाएगा, आप बीजेपी के प्रवक्ता बन जाएंगे बहुत जल्दी। आप कौन सी पार्टी के बनेंगे आप भी बता दीजिए। नहीं, मैं तो देखिए मैं तो दोनों पार्टी की बुराई कर रहा हूँ, लेकिन एक बार भी मैंने देखा नहीं सिर्फ राहुल गांधी को कोसने के अलावा कुछ नहीं करते। राहुल गांधी को कोसना पता लग गया, इसका मतलब कांग्रेस के प्रवक्ता बनेंगे केके शर्मा। मैं देखिए मैं 2000 साल पुराने इतिहास का इनको पता ही नहीं है। आप यदि टीवी पे डिबेट कर रहे हैं तो कम से कम बायस होके नहीं, अरे थोड़ा सा झुकाव बीजेपी के साइड रखो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। अरे कोई पूरा 100% आप उसी तरह आप 370 की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में 370 की जीत होती तो जम्मू कश्मीर 370 की जीत होती तो वहां पे आपकी सत्ता वापस दोबारा आ जाती, लेकिन आपकी आपकी जनता ने वहां नकार दिया है। कैसे कहते हैं 370 वहां पे की जीत हुई है? क्या जम्मू कश्मीर पहले चुनाव नहीं होता था? क्या वहां पे कोई वोटिंग परसेंटेज नहीं रहा है? ऐसा थोड़ी कि वहां शर्मा जी, शर्मा जी मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। पत्थरबाज कहां गए? अरविंद जी ने अब पत्रकार की भूमिका निभा ली है, अब वो बतौर एंकर एक सवाल पूछना चाहते हैं। अरविंद जी मेरा भी आपसे सवाल है, ठीक है? एके मिश्रा जी, केके शर्मा जी, आप दोनों शांत हो जाइए। पार्टी के प्रवक्ताओं जैसे आप लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, उतना तो हमारे बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता आपस में नहीं लड़ रहे, लेकिन अरविंद जी हर डिबेट में देखता हूँ वो हमेशा बीजेपी का पक्ष लेते हैं। अरे यार कभी तो न्यूट्रल रहा, ठीक है, वो उनकी अपनी आजादी है, वो उनका अपना स्वार्थ होगा, कोई वो अपनी उनकी अपनी सोच होगी, विचारधारा होगी, ठीक है? आप लोग आजाद हैं, किसी का भी सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आजाद हूँ, मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं करना, मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी कंप्लीटली पसंद है ही नहीं। किसी की कुछ बात अच्छी लगेगी, किसी की कुछ बात अच्छी लगेगी, लेकिन हाँ सभी पॉलिटिकल पार्टी होती है एक जैसी है, ये सिर्फ अपना फायदा देखती है, सिर्फ अपने फायदे की राजनीति करती है, और यही करते नेता भी चुनाव से ठीक पहले जो पाला बदलने का खेल होता है ना, ये भी पॉलिटिकल फायदे के लिए होता है। अब पाला बदलने से याद आ गए मुझे चंपई सोरेन। अरविंद कुमार सिंह जी, चंपई सोरेन का पाला बदल लेना आपके लिए कितना बड़ा फायदा है? कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये जो लॉयल्टी उन्होंने चेंज की है, अपना तो नुकसान करेंगे ही, आप लोगों का भी कर देंगे? नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन वाली पार्टी है और संगठन काम करता है। हमारा इतना गहरा संगठन है, हमने ग्रास रूट तक पन्ना प्रमुख पंचायत से लेकर बूथ तक हमारा काम होता है, तो किसी के आने जाना मकसद बहुत बड़ा नहीं है। मकसद है कि लोग अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुट रहे हैं उनका स्वागत है, और चंपई सुरन जैसे एक साफ सुथरी छवि के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुटे हैं तो उनका स्वागत हुआ है, और बूंद बूंद से तालाब भरता है। कौन सी ऐसी पार्टी है जो नहीं चाहती है कि हमारे साथ? क्या नेता की कमी है? बोलने दीजिए, कमी नहीं है, बोलने दीजिए, अरविंद जी को बोलने दीजिए। क्या नेता की कमी है बीजेपी के कार्यकर्ता? क्या 15 सालों में क्या आपके पास इतनी कमी तो किसी लीडर के पास नहीं है? लेकिन ये सभी पार्टियों में होता है, के शर्मा जी, ये सभी पार्टियों में होता है।
जो नेता जहां अपना फायदा देख लेता है बस वही वो लेता है। ये अलग अलग राज्यों में है, ये हर पार्टी के लिए, ये हर पार्टी के लिए। कांग्रेस से भी लोग छोड़कर जाते हैं और कांग्रेस में भी शामिल हो जाते हैं। अदर पार्टी के साथ भी होता है, अदर पार्टी के साथ भी होता है। अरविंद जी अरविंद जी अरविंद जी जवाब दे रहे हैं। के शर्मा जी पहले सुन लीजिए, अरविंद जी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद रिएक्ट कीजिए। आप बता दें, भारतीय जनता पार्टी की एक बार सांसद में मात्र दो ही सांसद थे, उतनी बड़ी पार्टी उतने जनाधार नहीं था। लेकिन अगर हिंदुस्तान की हिंदुस्तान की सारी जनता भी अगर हमारे साथ जुड़ गई तो आप कहिएगा कि आपके पास जनता नहीं थी। अरे सारी जनता आपको छोड़कर क्यों भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गई? जो लेकिन वर्षों से आपका झंडा उठा रहे आपकी पार्टी के लिए, क्या वो हमारा पार्टी को उठाने में जिन हम देश के बारे में सोचते हैं, राष्ट्र सर्वोपरि है, हम आप लोग जनता को बरगला कर 70 वर्षों तक जो कांग्रेस ने राज किया है, जनता ने उन्हें छोड़ दिया। दूसरे पार्टी के लोग नेता को तोड़ के लाते हैं और फिर उसको डायरेक्ट वहाँ। अरे अरे आप भी आ सकते हैं, आप किस पार्टी में है शर्मा जी, आप किस पार्टी में है ये तो बता दें। मैं तो मिश्रा जी को भी नहीं जानता हूँ, लेकिन मिश्रा जी से आग्रह करूंगा कि वो शर्मा जी की थोड़ी तारीफ कर दिया करें, ताकि लोग नहीं है क्या संगठन में नेता नहीं है। शर्मा जी राष्ट्र सर्वोपरि है और भारतीय जनता पार्टी हर पार्टी के दरवाजे खुले रहते हैं। आपको मंथन करना चाहिए। नहीं नहीं, आप ये तो बता दें कि आपके पार्टी के इतने बड़े नेता आपको छोड़कर क्यों चले आए? फायदा दिखा इसीलिए छोड़कर चले गए। जेवा जी नुकसान सब कुछ देखता है। राहुल गांधी कहते हैं ठीक है, अब आप तीनों शांत हो जाइए, एक महिला को सुन लेते हैं। महिला पैनलिस्ट है, अरे महिला के प्रति सम्मान ही दिखा दीजिए, थोड़ा सा शांत हो जाइए सभी। जेवा जी, जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालते हैं, वो कहते हैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान में खोलने आया हूँ, ये दुकान खुलती क्यों नहीं? वोट बैंक में तब्दील क्यों नहीं होती? कमी कहां रह जाती है? और 2019 में 16 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, इस बार बढ़ने वाली है क्या? बिल्कुल बढ़ेगी इस बार सीट। और मैं ये बोलना चाह रही हूँ, मोहब्बत की दुकान तो खुल रही है, लेकिन भाजपा का जो लगातार नफरत फैलाने का एजेंडा है, प्रोपेगेंडा जो करती है, आप इस पर भी तो बात कीजिए। विकास की तो ये बात ही नहीं करते हैं, जहां भी चुनाव होता है ये बांटने पहुंच जाते हैं, ये अपने पिछले वादों को नहीं बताते हैं कि हमने वो वादे पूरे किए हैं या नहीं, और वादे कर लेते हैं। जब पिछले वादे आपने अब तक 2014 में जो वादे करके आए थे वो आपने पूरा नहीं किया, तो आज जो वादे कर रहे हैं वो कैसे पूरा कीजिएगा? आपको लगता है ये बातें आपको करनी चाहिए? मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते ये काम आपको करना चाहिए। आप जाइए ना लोगों के बीच में, बताइए कि इन लोगों ने काम नहीं किया। हम जो वादे कर रहे हैं वो तो पूरा कर रहे हैं। कर्नाटक में जो हमने वादे किए वो पूरा किए, हिमाचल में जो काम किया वो पूरा कर रहे हैं, ईमानदारी से काम करने का हम प्रण लेते हैं, ले रहे हैं और वो कर रहे हैं। लेकिन भाजपा जो है लगातार, यानी आपका ये पॉइंट है कि बीजेपी सिर्फ वादे कर देती है, उन्हें पूरा धरातल पर नहीं करती। इससे पहले सुबह जो पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़े थे अरविंद जी, वो भी यही कह रहे थे कि केंद्र सरकार ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी हम हर साल देंगे, वो दी नहीं है। ऐसे कई वादे और गिनवा लिए, किसानों की आय दोगुनी, किसान आज भी आत्महत्या कर रहे हैं, नौकरी बेरोजगारी ये बड़ी समस्या है, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, नोटबंदी इस नाम पर भी हो गई, लेकिन ये सब चीजें धरातल पर आई नहीं। मिश्रा जी रिएक्ट करना चाहते हैं, एक दिन इसी मुद्दों पर डिबेट आप रख दें, मैं आंकड़े लेकर रहूंगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, किसानों बहुत अच्छी बात है, रखूंगी जरूर। किसानों के खाते में, हर किसान के खाते में 6,000 रुपए डायरेक्ट उसके अकाउंट में चल रहा है। मैंने पूछा क्या किसानों की आत्महत्या रुक गई? क्या उनके जो आय दोगुनी करने का सपना था और वादा था वो पूरा हो गया? मैं आपको बता दूं कि जहाँ पहले धान का जो न्यूनतम क्रय मूल्य था वो 1200 रुपए था, आज 2390 रुपए हो गया है। पूछिए ना, 20 सेकंड में एक मिश्रा जी, 20 सेकंड में आप बहुत देर से रिवर्ट करना चाहते हैं, सबकी आवाज नीचे कर दीजिए, सिर्फ एक मिश्रा बोलेंगे। 20 सेकंड अगर बढ़ गया तो कोई लेने वाला नहीं है। एक मिश्रा जी सिर्फ 20 सेकंड, सभी की आवाज नीचे, सिर्फ एक मिश्रा जी आवाज ऊपर। आज आप बहुत लॉजिकल सवाल पूछ रही है, बधाई हो। दो सवाल बड़े इम्पोर्टेंट आए हैं। पहला सवाल इम्पोर्टेंट यह है कि जी दूसरे नेता बीजेपी में मिल जा रहे हैं। अरे के शर्मा सर, दूसरे नेता मिल रहे हैं तो आपको मिर्ची लग रही है? कहीं पीओके और पाकिस्तान मिला लिया तो आप लोगों की क्या हालत होगी?
एक और बड़ा इम्पोर्टेंट चीज, मोहब्बत की दुकान क्यों नहीं खुल रही है उसका जवाब ले लीजिए। मोहब्बत की दुकान खुलने वाली थी लेकिन योगी जी ने बोल दिया दुकान खोलने से पहले मालिक का नाम लगा, सारे शटर बंद हो गए। अब क्या करें जब ये बेचारे इतने कमजोर है, नियम कानून से दुकान खोलिए तो मोहब्बत की दुकान खुलेगी। मोहब्बत की दुकान गैर कानूनी खोलेगी तो दुकान के बाद है ना जात लिखना चाहिए, धर्म लिखना चाहिए, वोटर्स को तय करने देते हैं। नियम कानून की दुकान है, वोटर्स को तय करने देते हैं कि नेम प्लेट की बातें कितनी पसंद आती हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटने वाली बातें कितनी पसंद आती हैं, भ्रष्टाचार परिवारवाद क्या लोगों के दिल दिमाग में असर करता है, आदिवासियों को क्या अपने हक के लिए आवाज उठती हुई पसंद आती है, झारखंड में 15 जिलों की 43 सीटों पर आज 1,37,00,000 से ज्यादा वोटर्स वोट डाल रहे हैं और कैद कर रहे हैं 683 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में। आप सभी का शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, अरविंद जी, एके मिश्रा जी, के शर्मा जी और जेबा खान इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। आगे दिन भर झारखंड में होने वाले चुनाव को लेकर एक एक जानकारी और अपडेट आप देखेंगे। छोटा सा ब्रेक।